हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कुंदन मिश्रा वेलकम्स यू ऑल एट वाइज आईएएस, इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री। इन द लास्ट क्लास व्हाट वी डिस्कस वेयर ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी, व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट द ज्योग्राफी इज, व्हाट आर द ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, हाउ शुड वी मेक आवर स्ट्रेटजी टू स्टडी ज्योग्राफी, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, कैसे आंसर राइटिंग करना चाहिए ज्योग्राफी में, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में देखी थी लास्ट क्लास में। अब आज के क्लास में हम एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफी में वो है आपका कॉस्मोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड। अगर आपको याद होगा तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ज्योग्राफी के बारे में बताई थी कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं है और ये इवॉल्व हुई है कैसे, तो बाकी सारे सब्जेक्ट से कंटेंट लेके, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स के थोड़े थोड़े से सेक्शंस को मिला के और हमने एक ज्योग्राफी का अपना सब्जेक्ट बनाया है। तो हम ज्योग्राफी में देखेंगे कि जो भी टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं तो एक्चुअल में किसी पैरेंट सब्जेक्ट का पार्ट होगा। जैसे कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ, तो ये जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ है हमारा टॉपिक, ये कहीं ना कहीं कॉस्मोलॉजिकल साइंस से लिया गया है, राइट, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस से लिया गया है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे ज्योग्राफी में। तो हमारा आज का जो सेकेंड लेक्चर है उसका टॉपिक है द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। एक्चुअली में यहाँ पे टॉपिक का नाम इवोल्यूशन ऑफ अर्थ है, बट एक्चुअल में हम जो बात करेंगे यहाँ पे केवल अर्थ के ओरिजिन और इवोल्यूशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हम अर्थ के इवोल्यूशन और ओरिजिन की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अर्थ जो है हमारा एक लार्जर सिस्टम का पार्ट है जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं। तो वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट द अर्थ इन इट्स इंटायरिटी विदाउट डिस्कसिंग द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, विदाउट डिस्कसिंग द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सीज, स्टार्स, सोलर सिस्टम्स। तो इनको डिस्कस किए बिना हम अर्थ के ओरिजिन और इवोल्यूशन को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से, फिर हम एक हेराडिकल पैटर्न में चलेंगे कि कैसे ओरिजिन हुआ यूनिवर्स का, यूनिवर्स के बाद गैलेक्सीज कैसे बने, गैलेक्सीज के बाद आपके स्टार्स कैसे बने, स्टार्स के बाद सोलर सिस्टम कैसे बना, और उन सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, और उसी प्लैनेट्स में एक हमारा अर्थ है, और उसके बाद हम अपने अर्थ के बारे में बात करेंगे कि हमारे अर्थ के जो डिफरेंट स्फीयर्स हैं, जैसे कि लिथोस्फीयर, जैसे कि एटमोस्फीयर, जैसे कि हाइड्रोस्फीयर, तो ये सब कैसे डेवलप होते हैं, कैसे इवॉल्व होते हैं, राइट। लेकिन डिस्कशन से पहले मैं आपको एक ब्रीफ टाइमलाइन बताना चाहूंगा कि आखिर जो भी ये सब इवोल्यूशंस हुए हैं कॉस्मिक साइंस में, इवोल्यूशंस हुए हैं हमारे पूरे यूनिवर्स के, उनके क्या टाइमिंग है, क्या टाइमलाइन है। आप टाइमलाइन ध्यान से देखिएगा कि जो सबसे पहले इस पूरे कॉस्मिक बॉडीज में जो ओरिजिन हुई थी वो 13.8 बिलियन ईयर्स एगो हमारे यूनिवर्स की ओरिजिन थी। सो इट वॉज यूनिवर्स दैट ओरिजिनेटेड 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। पहले ये 13.7 थी, बट थ्रू डिफरेंट रिसर्चेस वी करेक्टेड इट और मॉडिफाइड इट टू 13.8। तो 13.8 बिलियन ईयर्स एगो हमारा यूनिवर्स का ओरिजिन था, और 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब आप सोच लो कि कितने बाद, लगभग 9 बिलियन ईयर्स के बाद, यूनिवर्स के ओरिजिनेशन के लगभग 9 बिलियन ईयर्स के बाद हमारे अर्थ की ओरिजिन हुई, राइट। तो अर्थ ओरिजिनेटेड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद अर्थ में जो है हमारा जब ओरिजिन हुआ था तो इट वॉज जस्ट लाइक अ बॉल ऑफ फायर, एक फायर बॉल की तरह था, एक जलता हुआ मोल्टन स्टेज में। फिर धीरे धीरे हमारा ऊपर का जो परत होता है क्रस्ट, वो डेवलप हुआ, वो जस्ट थोड़े ही दिनों बाद 4.5 बिलियन ईयर्स एगो वो डेवलप हुआ। उसके बाद हमारा ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर डेवलप होना स्टार्ट हुआ। 4.5 बिलियन एगो में ही हमारा जो है जो एटमॉस्फेयर होता है अर्थ का, वो ओरिजिन स्टार्ट हुआ उसका। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस देखेंगे कि पहले का जो हमारा एटमॉस्फेयर था वो प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर था, वो कुछ और ही कंपोजिशन का था, फिर धीरे धीरे हमारा कंपोजिशन चेंज हुआ एटमॉस्फेयर का, और कैसे हमारा प्रेजेंट कंपोजिशन में आ गया एटमॉस्फेयर, तो ये हम धीरे धीरे बात करेंगे। फिर हमारा ओरिजिन ऑफ ओशन जो है डेवलप होता है 4.4 बिलियन ईयर्स एगो, राइट। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ जो है 3.5 से 3.7 बिलियन एगो के बीच में लाइफ की ओरिजिनेशन होती है अर्थ पे, बट इनिशियली लाइफ दैट ओरिजिनेटेड ओवर अर्थ वॉज नॉट द फोटोसिंथेटिक लाइफ,
वो पहले जो है एक केमोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू अपना ये करते थे, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। फिर हमको 3.2 से 2.4 बिलियन ईयर्स एगो फोटोसिंथेटिक लाइफ जो है अर्थ पे आती है, और इस फोटोसिंथेटिक लाइफ के आने के साथ ही इसके बाद जो एनिमल लाइफ है वो इवॉल्व होगी अर्थ पे। तो दिस इज अ ब्रीफ टाइमलाइन ऑफ हाउ द वेरियस पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स डेवलप्ड और इवॉल्व ओवर द टाइम, राइट। अब हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। अब एक हायरार्किकल पैटर्न में चलेंगे कि ओरिजिन यूनिवर्स का कैसे होता है, फिर हमारा गैलेक्सीज कैसे बनते हैं, स्टार्स कैसे बनते हैं, फिर सोलर सिस्टम की बातें करेंगे, तब अर्थ की बातें करेंगे। तो ऐसे हम सबसे पहले जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करते हैं, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको पहले बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि ये जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है जो हमारा कैसे कैसे व्यूज चेंज हुए हैं ऑल अक्रॉस द हिस्ट्री। जो भी हमारा यूनिवर्स था वो पहले कैसे लोग सोचते थे कि कैसे बना, फिर लोग कैसे सोचने लगे, और आज के टाइम में लोग कैसे सोचते हैं। तो देखो, जब से इंसान का सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, व्हेन मैन इंटर्ड इनटू अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड, सिविलाइज्ड लाइफ मतलब कि जब हम सोचने समझने लगे एक एनिमल लाइफ से एक सिविलाइज्ड लाइफ की तरफ पहुंचे, जब हमारे तरफ एडुकेशन हमारे यहां डेवलप होने लगा, जब हम साइंस डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने लगे, तो सबसे पहला जो लोगों के मन में सवाल आता था वो ये आता था कि ये हमारी अर्थ कैसे बनी, पृथ्वी कैसे बनी है, हाउ आवर अर्थ हैज ओरिजिनेटेड और इवॉल्व्ड। लेकिन इस प्रश्न के साथ साथ जो दूसरा प्रश्न आता था वो ये था कि अर्थ तो हमारा एक यूनिवर्स का पार्ट है, तो फर्स्ट वी शुड फाइंड आउट हाउ आवर यूनिवर्स हैज इवॉल्व्ड, हमारा यूनिवर्स कैसे बना है, राइट। तो एंशियंट टाइम में भी कुछ व्यूज थे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के, मॉडर्न टाइम में भी कुछ थे, मेडिएवल में भी कुछ थे, राइट। अब हम एक क्रोनोलॉजिकल वे में ना इस व्यूज को देखेंगे कि यूनिवर्स के ओरिजिन को लेके एंशियंट वर्ल्ड में क्या व्यूज थे, मेडिएवल वर्ल्ड में क्या व्यूज थे, और कैसे कैसे मॉडर्न वर्ल्ड में व्यूज चेंज हुए और आज हमारे क्या व्यूज हैं। तो एंशियंट व्यू की बात करें तो ये जो व्यू था वो बेस्ट था इन्फिनिटी ऑफ टाइम पे, यानी कि इस समय के जो लोग थे एंशियंट वर्ल्ड के, उनका मानना था कि दिस यूनिवर्स हैज फॉर्म्ड समवेयर इन द टाइम इन्फिनिटी, मतलब कि कोई उन्होंने फिक्स टाइम नहीं सोचते थे कि इस टाइम में कभी ये यूनिवर्स बना होगा। उनको लगता था कि ये यूनिवर्स जो है किसी अनंत काल से बना हुआ है और वो ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है और वो अनंत काल तक चलता रहेगा। मतलब कि ये इन्फिनिटी ऑफ टाइम में बिलीव करते थे, ये किसी क्रिएशन में बिलीव नहीं करते थे कि कोई ऐसा टाइम होगा जिस समय यूनिवर्स क्रिएट हुई होगी और उसके बाद उसी तरह से प्रोसेस चला होगा, राइट। और इसके जो मेजर जो प्रोपोनेंट्स थे उसमें हमारे एरिस्टोटल भी एक मेन प्रोपोनेंट थे, राइट। उस समय जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, जो रोमन थे, ये लोग जो है यही सोचते थे कि द टाइम इज इनफाइनाइट, द स्पेस इज इनफाइनाइट, देयर इज नो बिगिनिंग ऑफ टाइम, देयर इज नो एंड ऑफ टाइम। तो इस व्यूज पे हमारे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पे बात चलते थे। फिर हमारा आता है मेडिएवल व्यू। अब देखो मेडिएवल व्यू में कैसे थिंकिंग चेंज हो जाएगी। मेडिएवल व्यू जो है टेम्पोरल फाइनाइटिज्म पे काम करेगा। टेम्पोरल फाइनाइटिज्म का मतलब होता है कि टाइम इज फाइनाइट, टाइम इज नॉट इनफाइनाइट, मतलब समय जो है वो अनंत नहीं है, समय की एक बिगिनिंग है और उसका एक एंड भी होगा। तो इन लोगों की थिंकिंग थी कि समय की बिगिनिंग कब होगी भाई, तो समय तब से शुरू होता है जब से ये यूनिवर्स बना, और ये यूनिवर्स कब बना, जब इसे भगवान ने बनाया। तो मेडिएवल व्यू जो था वो एक रिलीजन का डोमिनेंस वाला टाइम था, जिस टाइम रिलीजन डोमिनेट करता था साइंस पे। उस समय आप कहीं भी देख लो, किसी भी सोसाइटी में देख लो, यूरोपियन सोसाइटी में देख लो, अरेबिक सोसाइटी में देख लो, इंडियन सोसाइटी में देख लो, लोग जो है रिलीजन को ज्यादा फॉलो करते थे रैदर देन साइंस को। उस समय चर्च की डोमिनेंस हुआ करती थी, चर्च ही डिसाइड करता था कि क्या साइंटिफिक है, क्या सही है, क्या गलत है। तो ये लोग क्या करते थे कि जो उस समय की सिचुएशन थी, तो इसको लोग यूनिवर्स के ओरिजिन को भी गॉड्स के क्रिएशन से जोड़ते थे। इसको बोलते थे अब्राहमिक व्यू ऑफ क्रिएशन, यानी कि भगवान जो थे, भगवान मतलब जिस कम्युनिटी में जो भी भगवान हो, चर्च क्रिश्चियनिटी में गॉड हो या फिर इस्लाम में अल्लाह हो या हिंदू में भगवान हो, तो ये सभी लोगों का यही मानना था उस समय कि एक समय पास्ट में था जिस समय भगवान ने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया, राइट। गॉड हैज क्रिएटेड द यूनिवर्स एंड द टाइम स्टार्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट, और उसी पॉइंट से टाइम स्टार्ट हो गई,
राइट तो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स बाई एनी सुपर नेचुरल पावर्स इज सच काइंड ऑफ थिंकिंग वॉज देयर इन द मॉडर्न व्यू. फिर धीरे धीरे जो है हम मॉडर्न सॉरी मेडाइवल व्यू, धीरे धीरे अब हम मॉडर्न व्यू की तरफ आते हैं. तो मॉडर्न व्यू जो है विद द एंड ऑफ द मेडिएवल वर्ल्ड द मॉडर्न व्यू इंटर्ड इनटू अ साइंटिफिक एरा. अब साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर लोग बात करने लगे क्योंकि अब चर्च का डोमिनेंस नहीं रह गया. चर्च का उस समय डोमिनेंस था, उस समय साइंस अलाउड नहीं था क्योंकि साइंस अलाउड होगा तो चर्च की जो ऑथोरिटी होगी उसको चैलेंज मिलेगा, तो इसलिए साइंस अलाउड नहीं था यहां पे. बट व्हेन द मेडिएवल टाइम इज ओवर मॉडर्न टाइम वी एंटर्ड इनटू देन बेस्ड ऑन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. और लोगों ने साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे सबसे पहले जो व्यूज क्रिएट किया है उन्होंने क्रिएट किया रिसेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज. लोग ये बताएं कि जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो इस यूनिवर्स में बॉडीज हैं, वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं. तो दिस रिसेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज वॉज द बिगिनिंग ऑफ द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. कैसे ये बिगिनिंग था साइंटिफिक इवोल्यूशन ऑफ द साइंटिफिक बिगिनिंग ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये आगे अभी हम बात करेंगे. तो यहां से हमारा जो रिसेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज था, इसके जो मेन प्रोपोनेंट जो सबसे पहले इन्होंने इसकी बात करने लगे वो थे जोहानिस केपलर और आइजक न्यूटन. ये जो जोहानिस केपलर और आइजक न्यूटन ने सबसे पहली बार ये बताया कि ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. तो दूर जा रहे हैं इसके मतलब कि देयर इज समथिंग यू नो मूवमेंट, समथिंग समथिंग डायनेमिज्म इन आवर यूनिवर्स. तो लोगों को अब थिंकिंग आने लगी कि दूर जा रहे हैं तो शायद पास भी होंगे कभी. तो ये थिंकिंग धीरे 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 मॉडर्न टाइम में डेवलप होने लगी और धीरे धीरे हमारा मॉडर्न व्यू डेवलप हो गया ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को लेकर. अब हम बात करते हैं एक्चुअल में जो हमारा प्रेजेंट व्यूज कैसे डेवलप हुआ. तो देखो विद द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब कि जब 20वीं शताब्दी में हम इंटर किए 1910-1912, तो उस समय तक दो थॉट्स डेवलप हो गए यूनिवर्स को के ओरिजिन को लेके. एक थॉट था जिसको हम बोलते थे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस और दूसरा जो थॉट था वो था स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस. तो स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस बोलता है कि जो यूनिवर्स है जैसा अभी है वैसा ही पहले भी था और वैसा ही आगे भी रहेगा. देयर इज नो एनी चेंज इन द स्ट्रक्चर, इन द डायमेंशन, इन द पोजीशन, इन द अलाइनमेंट ऑफ द यूनिवर्स. यूनिवर्स इज अ कंप्लीटली ए कांस्टेंट जो है बॉडी है, इसमें किसी तरह का चेंज नहीं हो रहा है. और ये दूसरा व्यू था जिसे हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस बोल रहे हैं. तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक्सपेंड करेगा, ये बोलेगा कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है. तो यही बात थी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी हाइपोथेसिस की. ये लोग बोलते थे कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं और धीरे धीरे यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है. स्टेडी स्टेट वाले बोलते थे कि यूनिवर्स शुरू से ही ऐसा ही है, कोई इसमें एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं है. तो ये दो थॉट्स पे हमारा जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स था वो बेस्ट था. आज हमारे पास जो बेस्ट जो थियरी है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को लेके और मोस्ट एक्सेप्टेड है, मोस्ट वैलिड है, वो बिग बैंग थियरी है. तो हम अभी जो बात कर रहे हैं अभी यही बात कर रहे हैं कि ये बिग बैंग थियरी कैसे डेवलप हुई, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ इट्स डेवलपमेंट, व्हाट इज द इवोल्यूशन ऑफ दिस बिग बैंग थियरी और ये क्या है बिग बैंग थियरी, हम आगे बात करेंगे. देखो अब ये स्टार्ट होता है 1927 से. कहानी दो भाग में पूरा वर्ल्ड जो है के जो साइंटिस्ट्स हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, ये बटे हुए हैं इस चीज को लेके कि कैसे यूनिवर्स ओरिजिनेट हुई. 1927 में एक एस्ट्रोनॉमर था जिसका नाम था जॉर्ज लेमेट. ये एक बेल्जियन प्रिस्ट थे, ये एक मतलब चर्च के प्रिस्ट थे ये बेल्जियन, राइट, बेल्जियम में. तो जॉर्ज लेमेट अलॉन्ग विथ बीइंग अ बेल्जियन प्रिस्ट ही वॉज अ फिजिसिस्ट ऑल्सो, ही वॉज एन एस्ट्रोनॉमर ऑल्सो, राइट, ही वॉज ए कॉस्मोलॉजिस्ट ऑल्सो. तो इस जॉर्ज लेमेटे ने सबसे पहले प्रपोज किया द आइडिया ऑफ एंड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स. इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रपोज किया, पहले भी ये चीज थी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की हाइपोथेसिस, लेकिन लोग जो है बिल्कुल एक स्कैटर्ड व्यू देते थे कि हाँ ये लग रहा है दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो ऐसा हो रहा है. जॉर्ज लेमेटे ने पहली बार एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस को प्रेजेंट किया वर्ल्ड के सामने, राइट. ठीक दो साल बाद 1929 में एडविन हबल करके एक फिजिसिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने साइंटिफिकली प्रूफ किया कि यस द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग. और इसको कैसे उन्होंने साइंटिफिकली प्रूफ किया, तो एक ये होता है कॉन्सेप्ट होता है गैलेक्टिक रेड शिफ्ट.
कॉस्मोलॉजी में एक गैलेक्टिक रेड शिफ्ट करके कॉन्सेप्ट होती है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, इस फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके एडविन हबल ने फर्स्ट टाइम ये प्रूव किया कि यस यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। द क्वेश्चन इज व्हाट इज गैलेक्टिक रेड शिफ्ट। तो गैलेक्टिक रेड शिफ्ट जो होती है वो एक लॉ होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो लाइट इमिट कर रहा है अगर वो आपसे दूर जा रहा है तो उसकी जो कलर होगी वो रेड की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि लाइट जब भी आती है तो लाइट के 7 कलर्स होते हैं जिनको हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलते हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ऐसे विबग्योर होता है एंड देयर इज दिस पैटर्न इज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज इन द वेवलेंथ। अब रेड की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है, राइट? तो कोई चीज अगर आपसे दूर जा रहा है तो ये सब जो शॉर्ट वेवलेंथ जो ये हैं लाइट के जो कलर्स हैं वो धीरे धीरे फेड होने लगेंगे और धीरे धीरे सब कुछ रेड की तरफ जाने लगेगा बिकॉज रेड इज हैविंग द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और धीरे धीरे आपको उसकी कलर दिखाई देगी कि और धीरे धीरे रेडिस 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 होता चला जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस फेनोमेना को बोलते हैं रेड शिफ्ट बोलते हैं। कि एज समथिंग, एज एनी लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, इट्स लाइट, इट्स कलर ऑफ दिस, इट्स लाइट विल मूव टुवर्ड्स द रेफ्ट रेड। रेड का जो स्पेक्ट्रम होगा वो धीरे 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 ब्रॉड होने लगेगा और इसी को हम गैलेक्टिक रेड शिफ्ट बोले। कि गैलेक्सीज जैसे हमसे दूर जाते हैं या कोई भी स्टार्स हमसे दूर जाती है तो उसकी जो कलर है वो चेंज होके रेड ज्यादा होने लगती है, मतलब रेड शाइनिंग बढ़ने लगती है। तो ये चीज एडविन हबल ने माउंट विल्सन पे अपना एक टेलीस्कोप लगा के पूरे वर्ल्ड को दिखाया कि यस देयर इज ए गैलेक्टिक रेड शिफ्ट ऑब्जर्व इन द प्लेनेटरी बॉडीज, इन द सेलेस्टियल बॉडीज। और इससे जो है इन्होंने वर्ल्ड को प्रूफ किया कि जो यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग का जो थियरी है, द रिसेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज की यह थियरी है, यह साइंटिफिकली करेक्ट है। इसी समय 1929 के टाइम में ही अल्बर्ट आइंस्टीन भी थे, उन्होंने भी अपना थियरी ऑफ रिलेटिविटी दे रखा था और उन्होंने भी अपने थियरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने ऐसा कुछ डिजाइन किया था अपने थियरी को जिससे कि वो शो होता था कि द यूनिवर्स इज नॉट एक्सपेंडिंग, मतलब कि वो यूनिवर्स एक्सपेंड होने के फेवर में नहीं थे। तो इनको भी एडविन हबल ने बुला के गैलेक्टिक रेड शिफ्ट के बेसिस पे दिखाया कि यस देयर इज ए रेड शिफ्ट इन द लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड दिस व्यू, दिस फेनोमेना प्रूव्स दैट देयर इज एन एक्सपेंशन इन द यूनिवर्स। तो इस तरह से यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग और जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस था वो धीरे धीरे लोगों को विश्वास होने लगा और ये जो है डोमिनेट करने लगा इस पूरे एरिया को। फिर 2 साल बाद 1931 में वही जॉर्ज लेमेटे जिन्होंने शुरू में एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थियरी की बात कही थी और जब एडविन हबल ने इसको साइंटिफिकली प्रूव किया तो उन्होंने इसमें एक और ऐड किया कि अगर यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है रियल में तो इसका मतलब कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट जो यूनिवर्स होगा वो बिल्कुल एक कॉन्ट्रैक्टेड एक पॉइंट पे होगा। अब उनका क्वेश्चन था कि यूनिवर्स जो है आज एक्सपेंड कर रहा है, इसका मतलब कि कभी कॉन्ट्रैक्टेड होगा, बहुत छोटा सा होगा, वहीं से एक्सपेंशन शुरू हुई होगी। तो उन्होंने एक आइडिया दे डाली कि पूरा यूनिवर्स जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक जो है सिंगुलर टीनी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, मतलब इस छोटे से ऑब्जेक्ट में पूरा यूनिवर्स समाया होगा और वहीं से इसकी एक्सपेंशन स्टार्ट हुई होगी और आज तक एक्सपेंशन हो रही है। तो ये जो पॉइंट ऑफ ये जो होता है ना मिनिमम साइज ऑफ ए टीनी पॉइंट, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगुलरिटी। एक सिंगुलरिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि एक सिंगल पॉइंट से पूरा यूनिवर्स डेवलप हुआ है। तो ये बात जॉर्ज लेमेटे ने 1931 में कही। फिर 1949 में एक जॉर्ज गेमो थे और एक रैल्फ अल्फर थे, ये दो जो कॉस्मोलॉजिस्ट थे, इन लोगों ने जॉर्ज लेमेटे की बात को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रेजेंट किया। कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रेजेंट किया किसको? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस को। और इस एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस को प्रेजेंट करते हुए उन्होंने एक प्रेडिक्शन दिया, एक प्रेडिक्ट किया कि जब भी एक पॉइंट से एक्सपेंड हुआ होगा यूनिवर्स तो एक्सपेंशन के मतलब प्रोसेस में लाइट इमिट हुई होगी, देयर कुड बी रेडिएशन ऑफ लाइट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स। तो वो लाइट जो है यूनिवर्स में कहीं ना कहीं होनी चाहिए, यानी कि दैट लाइट शुड बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लाइट, फर्स्ट रेडिएशन ओवर दिस यूनिवर्स। तो जो पहला रेडिएशन यूनिवर्स का होगा
वो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में अभी भी घूम रहा होगा. इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटेक्ट दोज लाइट. हमें उस लाइट को देखने की कोशिश करनी चाहिए यूनिवर्स में, जो लाइट जो है पहली बार यूनिवर्स के एक्सपेंशन में रेडिएट हुई होगी. और उस लाइट को इन्होंने कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन का नाम दिया कि वो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन को हमें ढूंढना चाहिए. राइट. तो ये जो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन था जो इन्होंने प्रेडिक्ट की थी 1949 में, यही रेडिएशन 1964 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी को मिल गई. मतलब कि हमारे पास अभी जो हमारे स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप्स हैं, जो ऑब्जर्वेटरीज हैं, जो कि पूरे यूनिवर्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं, दोज फाउंड इन 1964 द कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन दैट वॉज प्रेडिक्टेड बाई जॉर्ज गैमो एंड रैल्फ अल्फर इन 1949. और इसी कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन के साथ बिग बैंग थियरी वाइडली एक्सेप्टेड हो गया. अब क्वेश्चन था कि ये कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन ऐसा क्या चीज शो कर दिया जिससे कि ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस जो है वो एक मतलब वाइडली एक्सेप्टेड हो गया. सबसे बड़ा इसका क्या था कि ये कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की टेम्परेचर को जब हमने मेजर किया, हमारे पास ऐसे फिजिक्स में फॉर्मूले होते हैं कि अगर किसी लाइट के कलर से हम उसके टेम्परेचर का पता लगाते हैं और उस टेम्परेचर से हम ये बता सकते हैं कि ये लाइट जो है कब रेडिएट हुई थी. तो ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के जो प्रोपोनेंट्स थे उनका कहना था कि यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बनी, ये बात बोल के गए. फिर ये जो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन का जो हमें पता लगा, उसको हमने मैपिंग किया, उसको स्टडी किया, तो व्हाट वी गॉट टू नो दैट दिस लाइट वॉज रेडिएटेड अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स एगो. तो ये जो 13.8 बिलियन ईयर्स एगो की हमें पुरानी, सबसे पुरानी इस यूनिवर्स की लाइट मिल गई, तो इसी के साथ हमारा बिग बैंग थियरी जो है हमेशा के लिए एक वाइडली एक्सेप्टेड और प्रूवन हो गया. तो ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस को बिग बैंग थियरी हम बोलते हैं. और ये इस तरह के थ्रू वेरियस यू नो टाइमलाइन, थ्रू वेरियस डेवलपमेंट्स, ये आज जो है मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी हमारे पास है. अब क्वेश्चन होता है कि इसको बिग बैंग थियरी क्यों बोलते हैं. तो एक्चुअल में जो बिग बैंग थियरी जो नाम दिया गया है इस एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस को, ये फ्रेड हॉयल ने नाम दिया था 1949 में. ये बीबीसी के चैनल पे, जब वो बीबीसी के रेडियो चैनल पे जब ये अपनी बात रख रहे थे, तो ये जो फ्रेड होयल थे, एक्चुअल में ये स्टेडी स्टेट थ्योरी के ये प्रोपोनेंट थे. ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स को नहीं मानते थे. तो इन्होंने एक व्यंग के रूप में बिग बैंग बोला. जब ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के जो प्रोपोनेंट्स थे, जब ये बोलने लगे कि एक पॉइंट से अचानक से एक्सपेंशन हुआ यूनिवर्स का, तो इस सडन एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को इन्होंने बिग बैंग नाम दे दिया एक व्यंग के रूप में, कि अच्छा तो इनका यूनिवर्स बिग बैंग से बना हुआ है. और उसके बाद वो जो व्यंग का नाम दिया इन्होंने बिग बैंग, ये जो है वाइडली एक्सेप्टेड हो गई हमेशा के लिए, और इनकी थियरी जो थी स्टेडी स्टेट थियरी वो रिजेक्ट हो गई. तो आज हमारा जो बिग बैंग थियरी है वो फ्रेड होयल का एक व्यंग था एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के लिए, और उसको हम आज बिग बैंग थियरी समझते हैं. तो ये आज मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी हमारे पास है. तो दिस इज द बिग बैंग थियरी. अब क्वेश्चन है कि बिग बैंग थियरी बोलता क्या है, इसके बारे में वो क्या कहता है बिग बैंग थियरी. अब बिग बैंग थियरी हमेशा जो है एक्सपेंशन की बात करता है कि एक पॉइंट था, यहां से एक्सपेंड हुआ. अब ये सब जो आप देख रहे हो पैटर्न्स, ये सब जो है टाइम को शो करता है कि ये एक टाइम था, ये एक टाइम है. और हर टाइम में देखो तो सारे जो ये गैलेक्सीज जो हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, सब दूर जा रहे हैं. तो ये हमारा इस तरह से यूनिवर्स जो है एक्सपेंड हो के अभी का प्रेजेंट फॉर्म में बना हुआ है. राइट. अब हम बात करते हैं अपने बिग बैंग थियरी की. इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आपको बैलून पे दिख जाएगा कि बैलून पे आप जो है मार्क कर दो, उसके बाद बैलून को आप फुलाओ, तो जैसे जैसे बैलून फूलेगा तो जो ये होंगे ना पॉइंट्स होंगे वो एक दूसरे से दूर जाते दिखेंगे. राइट. अब ये क्या है बिग बैंग थियरी, इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस की हम बात करेंगे कि क्या है. सबसे पहला जो बिग बैंग थियरी में स्टेज होता है वो स्टेज ऑफ सिंगुलरिटी है. स्टेज ऑफ सिंगुलरिटी का मतलब कि 14 बिलियन साल पहले, मतलब 13.8 बिलियन से थोड़ा सा पहले, सारे मैटर्स जो यूनिवर्स को बनाए हैं, जितने भी मैटर्स हैं यूनिवर्स के, वो सब एग्जिस्ट करते थे एक टीनी बॉल के फॉर्म में. और ये टीनी बॉल जो है बिल्कुल छोटा सा, जिसका अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम है, इनफाइनाइट टेम्परेचर होगा और इनफाइनाइट डेंसिटी होगी. तो इससे एक टीनी बॉल है बिल्कुल इसकी तरह. आप देख लो अगर, तो पूरे जो है हमारा यूनिवर्स था इस पॉइंट पे
पूरा यूनिवर्स था, यही पॉइंट जो है इसी के अंदर पूरा यूनिवर्स जो है सीमित था। अब ये पॉइंट तो आपको दिख रहा है बट एक्चुअल में ये पॉइंट जो है लाइट कुछ नहीं थी उस समय, तो लाइट नहीं थी तो ये दिखना नहीं चाहिए, बट हमने आपको दिखाने के लिए इसको व्हाइट कलर से दिखा रहा है, बट इट वॉज नॉट लाइक अ व्हाइट कलर, इट वॉज कंप्लीटली कलरलेस, कोई लाइट नहीं थी। तो एक पॉइंट में पूरा यूनिवर्स सीमित था। तो ये 14.14 बिलियन ईयर्स पहले था। अब स्टेज टू में हम आते हैं जहां पे कि एक्सपेंशन होता है। तो 13.8 बिलियन साल पहले ये टीनी बॉल जो है एक एक्सपेंशन शुरू हुआ इसके अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोडेड वायलेंटली लीडिंग टू ह्यूज एक्सपेंशन। एक्चुअल में जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं इसको एक्सप्लोजन नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि यहां पर कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ था, यहां पे एक्सपेंशन हुई थी। इसको हम ऐसे एक्सप्लोजन बोल देते हैं, एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, बट मॉडर्न जियोफिजिस्ट मॉडर्न कॉस्मोलॉजिस्ट डोंट कंसीडर इट एज एनी एक्सप्लोजन, क्योंकि एक्सप्लोजन में क्या होता है कि कोई चीज अगर है, अगर वो एक्सप्लोड करेगा तो वो स्प्रेड होगा किसी स्पेस में, स्प्रेड होगा। अब तो उस समय इनके अकॉर्डिंग कोई स्पेस नहीं था, देयर वाज नो स्पेस, द इंटायर स्पेस इंटायर ऑब्जेक्ट वाज ऑल कॉन्सेंट्रेटेड इनटू अ टीनी बॉल टीनी पॉइंट। तो कोई जब स्पेस नहीं था तो वो एक्सप्लोड कहां करेगा, तो इसीलिए वो एक एक्सपेंशन था और उन्हीं के बीच में स्पेस बनना स्टार्ट हुआ। द स्पेस जिसको हम बोलते हैं, कोई भी मैटर के बीच का जो स्पेस होता है वो सारा उसी टीनी बॉल में सीमित था। एक्सपेंशन शुरू हुआ, चीजें दूर जाना स्टार्ट हुई, बीच में स्पेस बनता चला गया। तो सो स्पेस इज ऑल्सो नॉट इनफाइनाइट अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थियरी। तो ये लोग टाइम और स्पेस को इनफाइनाइट नहीं मानते हैं, ये लोग इसको फाइनाइट मानते हैं कि 13.8 बिलियन साल पहले टाइम शुरू हुआ, उसके पहले कोई टाइम नहीं था, हम कुछ नहीं समझते हैं, ठीक, और स्पेस भी नहीं था। तो ये होता है और एक्सपेंशन कंटिन्यूड टिल प्रेजेंट, आज भी एक्सपेंशन ये हो रहा है। अब इस एक्सपेंशन में कुछ शुरू में क्या हुआ कि एनर्जी जो है सब एनर्जी के फॉर्म में थी, धीरे धीरे ये मैटर में कन्वर्ट होने लगा, राइट, मैटर में कन्वर्ट होने लगा, मैटर से गैसियस मैटर में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके कंडेंसेशन से सॉलिड मैटर में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड मैटर से आपको प्लेनेटरी बॉडीज बने और धीरे 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 जो है हमारा पूरा यूनिवर्स बन गया और सेलेस्टियल बॉडीज बन गए। तो ये हमारा जो है पूरा प्रॉपर स्टेज टू था जिसमें कि एक्सपेंशन शुरू हुआ, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एक्सपेंशन लाइक दिस, राइट। फिर तीसरा हम बात करते हैं कि जब हमारा स्टेज ऑफ कूलिंग, यानी कि जब हम एक्सपैंड करना स्टार्ट हुआ, दैट टाइम दिस यूनिवर्स वाज वेरी हॉट, वेरी वेरी हॉट, राइट, इतना ज्यादा हॉट था ना कि वहां पे मैटर हो ही नहीं सकता है, देयर कैनॉट बी एनी मैटर, राइट, देयर कैन ओनली बी एनर्जी। अब क्या होता है कि स्टेज ऑफ कूलिंग कब होता है, तो बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद, 3,80,000 साल बाद बिग बैंग के मैटर का फॉर्मेशन होता है और मैटर के फॉर्मेशन होने की वजह से ये जो एनर्जी है वो कन्वर्टेड इनटू मैटर एंड द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट। अब यूनिवर्स जो है ट्रांसपेरेंट हो गई और पहली जो लाइट थी यूनिवर्स की वो यहीं पे बनी थी, जिसको हम बैकग्राउंड कॉस्मिक रेडिएशन बोलते हैं। तो फर्स्ट लाइट ऑफ द यूनिवर्स वेयर फॉर्म्ड आफ्टर 3,80,000 ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग, फ्रॉम द इवेंट बिग बैंग। तो ये स्टेज थ्री हो गया हमारा स्टेज ऑफ कूलिंग, तो इसके साथ हमारी लाइट डेवलप हुई। तो ऐसे तीन स्टेजेस में, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, इस तरह से हमारा यूनिवर्स बना। स्टेज वन में क्या था, एक पॉइंट था, इसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ सिंगुलरिटी। स्टेज टू में क्या हुआ, एक्सपेंशन शुरू हुआ जिसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ बिग बैंग इवेंट। और स्टेज थ्री क्या होता है, कूलिंग स्टार्ट हुआ और कूलिंग होने से मैटर में कन्वर्ट होने लगा, जितने भी एनर्जी थे वो मैटर में कन्वर्ट होने लगे और धीरे धीरे जो हमारा जो यूनिवर्स था वो ट्रांसपेरेंट हो गया। और आगे देखेंगे कि कैसे गैलेक्सीज बन रही है, स्टार्स बन रहे हैं, प्लैनेट्स बन रहे हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे गैलेक्सी बनता है। देखो, जब यूनिवर्स में मैटर्स बने गैसियस फॉर्म में, तो ये मैटर्स पूरे यूनिवर्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे, वो ऐसे थे, कहीं पे बहुत डेंस है, जैसे यहाँ पे डेंस है काफ़ी मैटर, यहाँ भी डेंस है, ठीक है, यहाँ भी डेंस है। तो धीरे 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 ना कहीं कहीं पे डेंस थे मैटर और कहीं पे बहुत स्पार्स थे, जैसे इन सब के बीच में अगर देखोगे तो स्पार्स हैं और बीच में ना चार तीन चार नोड्स हैं जहाँ पे कि ये बहुत डेंस हैं। तो जो डेंस वाला एरिया था उसकी ग्रेविटी ज़्यादा थी, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका ज्यादा था। तो ये क्या करने लगा, धीरे 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 जो रेयरर एरियाज हैं उनके मैटर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगा। और धीरे धीरे ये क्या बन गया, इस तरीके से अट्रैक्ट करते 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 ये कैसा बन गया हमारा यूनिवर्स, तो कुछ ऐसा बन गया कि बीच में
ऐसा ऐसा पूरे गैस का क्लाउड्स बन गया और बीच में खाली हो गया, क्योंकि इधर के जितने मैटर्स थे ना वो सब अट्रैक्ट कर लिए गए किस रीजन में, जो डेंस वाला रीजन था। और ये जो गैसियस क्लाउड्स बना इनको हम नेबुला बोलते हैं। नेबुला मतलब हॉट गैसेस, क्लाउड्स ऑफ हॉट गैसेस, क्लाउड्स ऑफ हॉट गैसेस को हम नेबुला बोलते हैं। तो इनको हम नेबुला बोलते हैं और यही नेबुला जो है आगे चल के एक गैलेक्सी बन जाएंगे। ये धीरे 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 एक गैलेक्सी का फॉर्मेशन का बैकग्राउंड आपका तैयार हो गया। यहीं पे एक अलग 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 गैलेक्सी बन गई पूरे यूनिवर्स में। तो गैलेक्सी कैसे बन गई आपको समझ में आ गया। अब स्टार्स कैसे बनेंगे गैलेक्सी में ये देखना। अब जैसे अलग अलग गैलेक्सी बन गई, अब जिस जैसे इस यूनिवर्स के अंदर जो मैटर्स थे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे, उसी तरह से एक गैलेक्सी के अंदर भी मैटर्स जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुए। अब यहां भी देखोगे तो जैसे हम ऊपर में यूनिवर्स का एग्जाम्पल दिए थे उसमें गैलेक्सी को बनाए थे, अब यहां देखोगे तो हम गैलेक्सी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे इस एक गैलेक्सी को यहां उठाकर रख दो, ये पूरा गैलेक्सी हो गया। अब इसमें भी देखोगे तो मैटर जो है कुछ कुछ पॉइंट्स पे क्लम्प्स डेवलप है जहां पे कि पूरा डेंस है मैटर, और बाकी एरिया में मैटर जो है स्कैटर्ड है, बड़ी स्पार्स है। तो फिर वही प्रोसेस होगा, ये जो है अपने अपने मैटर्स को ये लोग खींच लेंगे और धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि गैलेक्सी के अंदर स्टार्स बन जाएंगे। ये सब स्टार्स हो गए एक गैलेक्सी के अंदर और बाकी बीच में खाली हो गया, ये सब मैटर्स खाली हो गए। एंड दीज आर द स्टार्स विद इन वन गैलेक्सी। दिस इज यूनिवर्स, डिफरेंट गैलेक्सीज फॉर्म्ड, दिस इज वन गैलेक्सी, डिफरेंट स्टार्स फॉर्म। प्रोसेस इज सेम, नॉन यूनिफॉर्म अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज लीडिंग टू द डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कहीं कहीं पर ज्यादा होने लगा तो वो क्या करने लगा, वो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, वो जो है सारे मैटर्स को खींचने लगा और धीरे धीरे अलग अलग नोड्स बन गए इसके अंदर, और ये नोड्स जो है धीरे धीरे गैलेक्सी बनी, गैलेक्सी के अंदर नोड्स स्टार बने और ऐसे हमारा पूरा स्टार फॉर्मेशन हो गया। राइट, तो ये हमारे गैलेक्सी और स्टार का फॉर्मेशन था। ये आपको बहुत डिटेल में नहीं पूछा जा सकता है ज्योग्राफी में, क्योंकि ये बिल्कुल भी थोड़ा सा कॉस्मोलॉजी से काफी अंदर की चीज हो गई, इसलिए हमने आपको थोड़ा सा इसको जल्दी में आराम से मतलब ऊपर ऊपर बताया। अब ये फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, अब आप देख लिए कि गैलेक्सी का फॉर्मेशन देख लिए, स्टार्स का फॉर्मेशन देख लिए, अब जो नेक्स्ट हमारा फॉर्मेशन होता है यूनिवर्स में वो फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम होता है और प्लैनेट्स होता है। अब हमारा सोलर सिस्टम कैसे बनता है, हमने स्टार फॉर्मेशन देख लिया पिछले में कि स्टार जो है एक ऐसा बन जा रहा है क्लाउड ऑफ गैस गैलेक्सी के अंदर। तो ये हमारा स्टार का बनने के लिए एक क्लाउड ऑफ गैस जो है, हॉट गैसेस जो है, नेबुला जिसको हम बोलते हैं, वो बन गया। तो ये हमारा एक स्टार बन गया। ये स्टार क्या है, ये स्टार जो है डेंस क्लाउड ऑफ हॉट गैसेस है, एकदम हाइड्रोजन हीलियम खासकर। अब ये क्या है कि डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सब जो है एकदम बिल्कुल मतलब हाई डेंसिटी जो है ये फॉर्म में यहां पे बने हुए हैं, एकदम एक दूसरे से चिपके हुए हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ह्यूज ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में इनके है और ये स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि किसी कारण से इवेंचुअली कोई और कहीं पे एक्सप्लोजन हुआ, उसके इंपैक्ट की वजह से ये जो है बने हुए हैं यहां पे क्लाउड्स, ये कोलैप्स कर जाएंगे। तो ये कोलैप्स करेंगे तो इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑफ ए स्टार, मतलब इनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो स्टार एक हॉट स्फेयर ऑफ गैसेस में बने हुए हैं, इनके अंदर कोलैप्स हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। और जैसे ही डिसबैलेंस होगा तो ये जो ह्यूज क्लाउड ऑफ हॉट गैसेस जो है हाइड्रोजन हीलियम का, जिसको हम नेबुला बोलते हैं, ठीक है, वो जो है स्टार जो बनेगा, तो उसके बाद क्या होगा, वो एक ग्रेविटेशनल कोलैप्स की वजह से एक रोटेटिंग डिस्क में चेंज हो जाएगा, मतलब कि ये जो स्फेयर था तो वो एक प्लेनर शेप में हो जाएगा, एक डिस्क के शेप में हो जाएगा। और पहले क्या था कि ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन था इनके बीच में, लेकिन जब ये डिस्क फॉर्म में होंगे ना तो फिर ये क्या हो जाएगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन में ये सब कंजर्व हो जाएंगे और सारे गैसेस जो हैं एक डिस्क के फॉर्म में घूमने लगेंगे। जैसे कि आप ये देख लो इस पिक्चर में, आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। ये स्टार था, बिल्कुल स्टार था, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे पर लग रहा है, ये जो है अपने ही ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स कर जाएगा और कोलैप्स करने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा, एक कोर डेवलप हो जाएगा बीच में डेंस क्लाउड्स का और एक डिस्क डेवलप होगा और ये डिस्क में जो गैसेस हैं वो रोटेट करने लगेंगे चारों तरफ। तो ये गैसेस क्या करेंगे, रोटेट करने लगेंगे इस डिस्क में, चारों तरफ रोटेट करने लगेंगे। राइट, अब गैसेस आर रोटेटिंग इन ए डिस्क फॉर्मेशन एंड देयर इज ए
कोर ऑफ दिस डिस्क, द सेंटर ऑफ दिस डिस्क विच इज अ वेरी डेंस क्लाउड्स. तो ये जो डेंस कोर होगा वो 95% ऑफ द मैटर को अपने अंदर सब्ज्यूम कर लेगा. तो 95% ऑफ द पूरे मैटर ऑफ दिस क्लाउड इज सब्ज्यूम्ड अंडर द कोर ऑफ दिस डिस्क एंड ओनली 5% ऑफ द मैटर आर रोटेटिंग अराउंड दिस डिस्क. और ये जो 95% मैटर है ये मिलके सन बना लेंगे, एक स्टार बना लेंगे. और ये जो 5% मैटर रोटेट कर रहे हैं वही आगे चल के आपको प्लैनेट्स बन जाएंगे. अब कैसे बनेंगे तो ये स्टेजेस में देख लेना. अब पहला स्टेज देख लिए, ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑफ स्टार. ये कोलैप्स क्यों हो रहे हैं तो अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोलैप्स हो रहे हैं, डिसबैलेंस हो जा रहा है. ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे पर लगा के और स्फेरिकल शेप में बने हुए हैं, कोलैप्स होकर ये एक रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस के फॉर्म में बन जा रहा है जिसमें कि एक सेंटर बन रहा है. ठीक है, वो सेंटर जो है वो 95% ऑफ द मास को सब्ज्यूम करके और एक स्टार बन जा रहा है. अब स्टेज टू देखो, द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ड्रियल्स. जो ये गैसेस हैं जो रोटेट कर रहे हैं डिस्क में एक सेंटर के चारों तरफ, वो ठंडा होने के बाद कंडेंसेशन होगा इनका. और कंडेंसेशन होने के बाद ये लोग स्मॉल सॉलिड राउंडेड ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्मॉल सॉलिड राउंडेड ऑब्जेक्ट्स जिनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रियल्स. तो सेकेंड स्टेज में कॉन्ड्रियल्स का फॉर्मेशन होगा. कॉन्ड्रियल्स क्या होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है. कैसे बनता है तो जो रोटेटिंग गैस होते हैं इनके कंडेंसेशन के साथ बनता है और कंडेंसेशन होकर ये वो भी एक चारों बार चक्कर लगाने लगते हैं उस सेंटर के. फिर तीसरे स्टेज में क्या होगा, एक्रिएशन ऑफ कॉन्ड्रियल्स. ये कॉन्ड्रियल्स एक्रिएट करके और प्लेनेटेसिमल्स बन जाएंगे. जैसे देखो यहां जो है ये रोटेशन ऑफ डिस्क होने लगा, ठीक है, इस स्टेज में आपको कॉन्ड्रियल्स बन जाएंगे यहां पे ना, ये ठंडा होकर ये सब कॉन्ड्रियल्स बन रहे हैं. धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स बनने लग रहे हैं सॉलिड पार्टिकल्स के. अगले स्टेज में जो कॉन्ड्रियल्स क्या होंगे, एक्रिएट होके एक दूसरे से चिपक के और प्लेनेटेसिमल्स बन जाएंगे. प्लेनेटेसिमल्स क्या होता है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ही होता है लेकिन साइज प्लेनेटेसिमल्स का कॉन्ड्रियल्स से बड़ी होती है. ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के साइज का होता है. तो धीरे धीरे प्लेनेटेसिमल्स बन गए और अपने अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो रोटेटिंग डिस्क में अलग अलग हो जाएंगे, मतलब अलग अलग ऑर्बिट बना लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी. अलग अलग ऑर्बिट में अब ये चारों बगल नाचने लगे और बीच में इधर क्या बन रहा है, हमारा सन बन रहा है, स्टार बन गया है हमारा. अब ये प्लेनेटेसिमल भी एक दूसरे से एक्रीट होंगे, एक्रीशन होगा इनका भी, चिपकना होगा, जिसको रन अवे एक्रीशन बोलते हैं. और ये एक्रीट होकर प्लैनेट्स बन जाएंगे हमारे. तो फोर्थ स्टेज में आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्रीशन ऑफ कंड्रूल से क्या बन जाएगा, हमारा प्लेनेटेसिमल्स बनेगा और प्लेनेटेसिमल्स के एक्रीशन से प्लैनेट बन जाएगा. ठीक, तो इस तरह से चार स्टेजेस में हमारे पूरे प्लैनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा. कौन कौन से चार स्टेजेस हैं, तो सुपरनोवा, एक्सप्लोजन ऑफ दिस ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑफ दिस स्टार, फॉर्मेशन ऑफ द रोटेटिंग डिस्क, इसके ठंडा होने से हमें कॉन्ड्रियल्स बनेंगे, कॉन्ड्रियल्स के क्रिएशन से प्लैनेटेसिमल्स बनेंगे, प्लैनेटेसिमल के क्रिएशन से प्लैनेट्स बन जाएंगे. तो ऐसे हमारा पूरा बन जाएगा, कोई दिक्कत. इसको भी देख लो, समझ में आ जाएगा. ये जो ग्रेविटेशनल कोलैप्स हो रहा है तो इसकी वजह से ऐसा बन रहा है, उसके बाद यहाँ पे कॉन्ड्रियल्स बन जा रहे हैं, कॉन्ड्रियल्स के बाद यहाँ पे प्लैनेटेसिमल्स बन जा रहे हैं और यहाँ पे प्लैनेट्स बन जा रहे हैं. समझ में आ रही है, कॉन्ड्रियल्स क्यों बन रहे हैं, ड्यू टू कूलिंग ऑफ हॉट गैसेस कंडेंसेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स. जो गैसेस हैं वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द क्या, प्लैनेट्स. और ऐसे ही हमारा अर्थ भी बना है. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मून. जब अर्थ की फॉर्मेशन हमने देख लिया कि अर्थ जो है वो एक रोटेटिंग डिस्क में कैसे कंडेंस होके कंड्रूल्स बन के, कंड्रूल्स से प्लेनेटेसिमल्स बन के और प्लेनेटेसिमल्स के एक्रिएशन से एक दूसरे के चिपकने से प्लैनेट बन जा रहा है, तो फिर हमारा अर्थ समझ में आ गया कि इसी तरह से बना होगा. एक उसी में जो डिस्क होगा हमारे सोलर सिस्टम का वो अर्थ के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट किया होगा. अब नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ मून. हमारा मून कैसे बना, तो मून के फॉर्मेशन को लेके दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. एक क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है और एक मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट है. क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं साइंटिस्ट जैसे कि सर जॉर्ज डार्विन है. 1838 में इन्होंने सजेस्ट किया कि हमारा मून कैसे बना होगा. इनका क्या कहना था कि हमारा मून, हमारा अर्थ जो है वो एक डंबल शेप का कुछ ऐसे था, राइट, और ये जो है घूम रहा था, रोटेट हो रहा था, रोटेशन हो रही थी इसकी, और रोटेशन में इवेंचुअली ये वाला जो पार्ट है वो टूट के और बड़े वाले पार्ट को रिवॉल्व करने लगा, उसके चारों बगल घूमने लगा, और ये छोटा वाला पार्ट हमारा मून हो गया, ये बड़ा वाला पार्ट हमारा अर्थ हो गया. तो इस तरीके से उन्होंने एक डंबल से अर्थ का बना के और क्लासिकल स्कूल वालों ने दे दिया कि ऐसे हमारा मून बना. मगर इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों टूटा, कैसे टूटा, क्या हुआ, नहीं हुआ. तो इसकी वजह से इनके थॉट्स को हम बहुत ज्यादा नहीं इंटरटेन किए, वर्ल्ड ने इसको रिजेक्ट कर दिया.
उसी तरह से जो सिमिलर थॉट थे इन्हीं लोग के बीच, उनका कहना था कि जो मटेरियल मून का बना हुआ है वो एक्चुअली हमारा जो ओशन है, लार्ज ओशन जैसे पैसिफिक ओशन है, तो गड्ढा है, तो वही टूट के बाहर निकल के चला गया और सन के सॉरी अर्थ के चारों बगल घूमने लगा और मून बन गया हमारे अर्थ का। तो इस तरीके से इनके थॉट्स थे। तो ये थॉट्स इनके लास्टली रिजेक्ट हो गए। बाद में हमारा मॉडर्न स्कूल आया। मॉडर्न स्कूल क्या बोला कि हमारा जो मून बना है वो एक जाइंट इंपैक्ट की वजह से बना है। पास्ट में मार्स के साइज का या उससे भी बड़ा, अराउंड 4.4 बिलियन ईयर्स अगो, ए बॉडी ऑफ साइज 1-3 टाइम्स दैट ऑफ मार्स कोलाइडेड इनटू द अर्थ, अर्थ के साथ कोलाइड किया एक मार्स साइज का ऑब्जेक्ट, और इस कोलिजन की वजह से लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ जो था वो डिटैच होके और स्पेस में चला गया। तो जैसे ही डिटैच होके वो स्पेस में गया तो अर्थ जो है अपने ग्रेविटेशन की वजह से खींचने लगा अपने तरफ अपने डिटैच्ड पार्ट को, और वही डिटैच्ड पार्ट जो है मून बन के चारों तरफ अर्थ के ऑर्बिट करने लगा। ये हमारा अर्थ है। मार्स साइज ऑब्जेक्ट के कोलिजन के वजह से ये बाहर आ गया और ये धीरे धीरे हमारे अर्थ के चारों बगल घूमने लगा। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न स्कूल ये वाली बात हुई। तो ये अभी हमारे लिए एक्सेप्टेड है, ये हम थोड़े बहुत मानते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो दैट इज द एक्सेप्टेड थियरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मून राइट नाउ। ये क्लासिकल थियरी को हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मून। अब हम बात करते हैं अपने सोलर सिस्टम की कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे है, क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे हैं। देखो हमारा जो सोलर सिस्टम है इसके बारे में आपको बेसिक फैक्ट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो है यूपीएससी में आपको जो प्रीलिम्स में खासकर क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं इनके फैक्ट्स से रिलेटेड। तो इनके बेसिक फैक्ट्स आपको क्या क्या ध्यान में रखने हैं कि हमारे सोलर सिस्टम जो है वो सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, 200 से भी ज्यादा मून्स हैं और 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होंगे हम आपको अभी डिस्कस करेंगे। अब प्लैनेट्स में यहाँ पे मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, इन चारों को हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। इन चारों को क्या बोलते हैं हम, इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है अर्थ लाइक। तो हमारे सन के टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, 200 प्लस मून्स हैं और 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स को हम इनर प्लैनेट बोलते हैं, जिनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं, इनको अर्थ लाइक बोलते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को आउटर प्लैनेट्स या जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं। जोवियन का मतलब होता है जुपिटर लाइक, ठीक है। तो ये जब जोवियन प्लैनेट्स हो गए। अब सैटर्न को सबसे ज्यादा मून है, मतलब 82 मून सैटर्न के हैं। मून्स मतलब होते हैं नेचुरल सैटेलाइट। तो जैसे अर्थ का एक अपना एक मून है, उसी तरह से सैटर्न के चारों तरफ उसके 82 मून चक्कर काटते हैं। पहले जुपिटर के सबसे ज्यादा थे 79, लेकिन 2019 में 20 नए मून्स हमें सैटर्न के मिले, तो 62 से इनका 82 हो गया और हाईएस्ट हो गया सैटर्न। मरकरी और वेनस को कोई मून्स नहीं है, इनके कोई भी मून्स नहीं होते हैं। और सारे प्लैनेट्स जो है अपने एक्सिस, अपने ऑर्बिट में रोटेट करते हैं अपने एक्सिस पे, राइट। और ये जो रोटेशन होता है वो मोस्टली सेम डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में रिवोल्यूशन होता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रिवोल्यूशन भी एंटी क्लॉकवाइज होता है, रोटेशन भी होता है, लेकिन वेनस और यूरेनस जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। मतलब इनकी जो रोटेशन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अपोजिट टू व्हाट? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रिवोल्यूशन। मतलब कि अगर एंटी क्लॉकवाइज में अगर डायरेक्शन हो रहा है रिवोल्यूशन का, तो क्लॉकवाइज में रोटेशन होगा। तो ये बेसिक फैक्ट्स होते हैं सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक। अब सोलर सिस्टम के बारे में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट्स के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होता है, जोवियन प्लैनेट्स क्या होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मतलब मैंने बताया कि अर्थ लाइक प्लैनेट्स होते हैं। जोवियन का मतलब बताया जुपिटर लाइक। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ये आपको पता होना चाहिए। देखो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो होता है वो स्मॉल होता है, रॉक्स और मेटल्स का बना हुआ होता है, स्मॉल साइज में होते हैं और रॉक्स और मेटल्स के बने होते हैं ज्यादातर। जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं वो जाइंट होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उनका जो ऊपर का एक लार्ज हिस्सा देखोगे बाहर का तो वो कंडेंस्ड गैसेस होते हैं। मतलब वो गैस के लगता है कि बने हुए हैं, बहुत बड़े हैं, बट ये जो बड़ा साइज है इट इज बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ दोज गैस। गैस ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका जोवियन प्लैनेट्स। अब क्वेश्चन होता है कि क्यों इनका जो गैस था वो कंडेंस हो गया, यहां नहीं होगा, आखिर क्या कारण है। तो देखो जब सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, डिफरेंट प्लैनेट्स बने, तो सबके आसपास जो है प्रीमोडियल गैसेस थे। प्रीमोडियल गैसेस मतलब कि वो जो स्टार था पूरा कॉम्पैक्ट स्टार, तो उसके जो गैसेस थे वो सारे प्लैनेट्स के आसपास भरे थे, राइट। दे वर कॉल्ड प्रीमोडियल गैसेस, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम थे। लेकिन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के जो गैसेस थे वो एस्केप आउट हो गए, इनके नहीं हुए। क्यों उनके एस्केप आउट हो गए, क्यों इनके नहीं हुए, ये बस ध्यान में देना है।
और इनके जो है वो कंडेंस कर गए वो सारे गैस इनके चारों तरफ। तो मान लो जैसे हमारे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर अगर सारा गैस कंडेंस होके और हमारे अर्थ के चारों बगल एक लेयर बना ले सॉलिड लेयर, तो हमारा अर्थ भी बड़ा हो जाएगा। और सेम कुछ इसी तरह का इनके साथ हुआ, इनके जो गैसेस थे वो कंडेंस होके सॉलिड होके इनके चारों बगल एक अपना लेयर बना लिए पूरा, जिसकी वजह से ये बड़े दिखते हैं। ठीक, तो जो हमारे गैसेस थे, गैसेस ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जो ये ऊपर के चार प्लैनेट हैं मार्स, अर्थ, वेनस और मरकरी, ये जो थे वो कंडेंस नहीं हो पाए क्योंकि ये सन के पास थे, तो सन के पास थे तो हीट ज्यादा थी, तो कंडेंसेशन के लिए कूलिंग चाहिए, तो ये कूल डाउन नहीं हो पाए कंडेंसेशन के लायक। और ये जो थे वो दूर थे तो ये इजिली कंडेंस हो गए बिकॉज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द सन। पहला तो ये कारण था। दूसरा कारण था कि हमारे जो प्रीमोडियल गैसेस थे वो हमारे आसपास टिके नहीं, वो एस्केप आउट हो गए। क्यों हो गए? तो सोलर विंड्स की वजह से। सोलर विंड्स जो है, सन जो अपनी एनर्जी रेडिएट करती है वो दो फॉर्म में रेडिएट करती है। एक जो फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में करती है, जो सनलाइट जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा होता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स के फॉर्म में इजेक्ट करती है, जिसको हम सोलर विंड्स बोलते हैं। तो सोलर विंड्स आर एक्चुअली द चार्ज्ड पार्टिकल्स दैट आर इजेक्टेड बाय सन। तो ये सोलर पार्टिकल्स जो थे हमारे अर्थ के या हमारे जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स थे उसके चारों तरफ जो प्रीमोडियल गैसेस थे, हाइड्रोजन और हीलियम, इन सबको ये स्ट्रिप आउट कर दिया, मतलब उसको ब्लू, मतलब उड़ा के लेके चले गए। तो इस तरह से हमारे जितने भी प्रीमोडियल गैसेस थे वो एस्केप आउट हो गए हमारे अर्थ के एटमोस्फेयर से। उसके बाद इनके नहीं हो पाए क्यों? क्योंकि सोलर विंड्स जो है इन तक पहुंच नहीं पाया उसने इंटेंसिटी के साथ। ये लोग चूंकि दूर पड़ गए तो यहां तक सोलर विंड्स का इंटेंसिटी बहुत कम हो गया और इन गैसेस को, प्रीमोडियल गैसेस को वो स्ट्रिप ऑफ नहीं कर पाए, राइट। उसके बाद ये जो प्लैनेट्स थे वो चूंकि छोटे थे तो इनकी ग्रेविटी की वैल्यू भी कम थी, बहुत ज्यादा ग्रेविटी इनके पास नहीं था, तो ये लोग होल्ड नहीं कर सके अपने गैसेस को, जो प्रीमोडियल गैसेस हैं उनको ये लोग रोक के नहीं रख सके। ये चूंकि थोड़े से बड़े थे तो इनकी ग्रेविटी भी स्ट्रांग थी, तो इन्होंने अपने प्रीमोडियल गैसेस को अपने तक रोके रखा और इसी तरह से वो कंडेंस कर लिया। तो यही कारण है कि टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स अलग अलग डेवलप हो गए। क्या क्या कारण है आपने देख लिया है, तो ये चार पांच कारण हमेशा याद रखना, ये एनसीईआरटी की दी हुई सारी लाइन है, सारे पॉइंट्स हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ अदर प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स की। जैसे हमने प्लैनेट्स की तो बात कर ली, सोलर सिस्टम में मून्स की बात कर ली, ये सब बात कर लिया। अब हम बात करते हैं कुछ अदर प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स। ये सब क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, जो प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, एस्टेरॉइड्स क्या होता है, मेटेरॉइड्स क्या होता है, मीटियोराइट क्या होता है, मीटियोर्स क्या होता है, कॉमेट्स क्या होता है, तो ये सब में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब ये जो ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, एक्चुअली प्लूटो पहले एक प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको प्लैनेट्स के लिस्ट के बाहर कर दिया और इसको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया। तो व्हाट इज दिस ड्वार्फ प्लैनेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट? तो देखो, ड्वार्फ प्लैनेट होता है उसके लिए आपको यह समझना जरूरी है कि प्लैनेट्स किसे बोलेंगे हम। तो किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को प्लैनेट्स कहलाने के लिए, किसी भी सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको प्लैनेट्स कहलाने के लिए तीन कंडीशंस पूरा करना चाहिए, थ्री कंडीशंस चाहिए इनको। पहला, कौन कौन तीन कंडीशन होगा जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट प्लैनेट कहलाएगा? सबसे पहला कंडीशन जो होगा वो ये होता है कि ये सन के चारों ओर घूमना चाहिए इंडिपेंडेंटली अपने ऑर्बिट में, तो ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि ये स्फेरिकल होने चाहिए, मतलब इसकी ग्रेविटी इतनी हाई होनी चाहिए कि अपने सारे ऑब्जेक्ट्स को एक स्फेरिकल शेप में बांध के रखे। तो स्फेरिकल शेप जो है दूसरा कंडीशन होता है कोई भी प्लैनेट को प्लैनेट बोलने के लिए। और पहला क्या था कि सन के चारों तरफ रिवॉल्व होना चाहिए। और तीसरा क्या कंडीशन होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि उसकी ऑर्बिट में उसके जैसा और कोई इंडिपेंडेंटली सन का चक्कर ना काटे, यानी कि जिस ऑर्बिट में वो प्लैनेट घूम रहा है इट शुड डोमिनेट इट्स ऑर्बिटल स्पेस। इट्स उसके ऑर्बिटल स्पेस में अगर कोई और ऑब्जेक्ट उसके बराबर या उससे छोटा अगर वो ऑर्बिट कर रहा है सन के चारों ओर, तो फिर जो है वो प्लैनेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट क्या करता है, अपने अंदर ग्रेविटी से खींच के और अपना पार्ट बना लेता है। तो अगर वो अपना पार्ट नहीं बना पाया है अपने ऑर्बिटल स्पेस में और भी ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं, तो दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट। तो तीन कंडीशन जो है क्या होता है, डोमिनेशन ऑफ द ऑर्बिटल स्पेस, स्फेरिकल शेप ऑफ द बॉडी और
इंडिपेंडेंट रिवोल्यूशन, इंडिपेंडेंट ऑर्बिटिंग ऑफ द सन, ये तीन कंडीशन होना चाहिए किसी भी चीज को प्लैनेट बोलने के लिए। तो ये जो ड्वार्फ प्लैनेट है हमारे, दो कंडीशन को पूरा करते हैं, तीसरे को नहीं करते हैं। ये स्फेरिकल शेप में है, ओके, ये सन का भी इंडिपेंडेंटली चक्कर काटते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये अपने ऑर्बिटल स्पेस को डोमिनेट नहीं करते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट जो स्फेरिकल शेप का भी है, सन का भी ऑर्बिट करता है, मगर उसके ऑर्बिट में, वो सन का भी कोई भी रिवॉल्व करता है, लेकिन उसके ऑर्बिट में उसके जैसा या उसके छोटे और भी ऑब्जेक्ट्स कर रहे हैं, मतलब इट इज नॉट डोमिनेटिंग इन इट्स ऑर्बिट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं, हम प्लैनेट नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि अभी प्लैनेट बनेगा, आगे चल के बन सकता है, बट अभी इट इज नॉट प्लैनेट। तो यही जो है ड्वार्फ प्लैनेट्स का कंसेप्ट होता है। तो ऐसे हमारे पास 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स अभी पूरे सोलर सिस्टम में हमारे हैं, ठीक है। और ड्वार्फ प्लैनेट्स में अगर आप, मैं बता दूं तो एक एस्टेरॉयड भी है, सेरेस करके एक एस्टेरॉयड है, वो बहुत बड़ा लार्जेस्ट एस्टेरॉयड है पूरे सोलर सिस्टम का, स्फेरिकल शेप का भी है, और वो अर्थ का चक्कर भी काटता है, मगर वो अपने बेल्ट में काटता है जिसमें कई सारे एस्टेरॉयड्स काटते हैं, तो उसे भी हम ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिए हैं, सेरेस, CERES, अभी आगे बात करेंगे। तो ड्वार्फ प्लैनेट होता है, तो ये ड्वार्फ प्लैनेट वही होते हैं जो दो कंडीशन को पूरा करते हैं, तीसरे को नहीं करते हैं। ये बेचारे पीटी और मेंस पास कर गए, इंटरव्यू में फेल कर गए, तो इसीलिए ये नहीं बन पाए सिविल सर्वेंट। तो इट इज जस्ट लाइक दैट, ये प्लैनेट नहीं बन पाए, दो कंडीशन पूरा किए, तीसरे को नहीं किए। फिर हमारा आता है एस्टेरॉयड्स। एस्टेरॉयड्स क्या होता है? ये रॉकी और मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होता है जो कि सन के चारों तरफ घूमता है, लेकिन ये बहुत छोटा होता है, कई बार स्फेरिकल शेप में भी नहीं होता है। तो दे आर मोस्टली फाउंड इन एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट कहां पाया जाता है? जुपिटर और मार्स के बीच में पाया जाता है, और ये अपना स्फेरिकल शेप को भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये इनकी जो छोटा साइज की वजह से इनकी ग्रेविटी इतनी लो होती है कि अपने शेप को ये स्फेरिकल नहीं बना पाए। तो एस्टेरॉयड्स और ड्वार्फ प्लैनेट में फर्क क्या होता है कि ड्वार्फ प्लैनेट एस्टेरॉयड से थोड़े बड़े होते हैं, और ये जो होते हैं स्फेरिकल शेप में हमेशा होते हैं, ये स्फेरिकल शेप में नहीं होता। इनका शेप देखोगे तो कुछ अजीब गरीब होगा, किसी तरह का शेप का भी होता है। ये देख लो, जैसे ये ड्वार्फ प्लैनेट हो गया, बिल्कुल स्फेरिकल होगा अर्थ की तरह, और ये देखो ये हो गए एस्टेरॉयड्स हमारे। एस्टेरॉयड्स किसी भी शेप के होते हैं, और इसी एस्टेरॉयड्स में एक एस्टेरॉयड सेरेस करके है जो बिल्कुल ड्वार्फ प्लैनेट की तरह स्फेरिकल भी है, और वो चक्कर भी काट रहा है बाकी सारे एस्टेरॉयड्स के साथ, तो उसको हमने ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया। तो सेरेस इज एन एस्टेरॉयड व्हिच हैज बीन कंसीडर्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट, व्हिच हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ अ ड्वार्फ प्लैनेट, राइट। तो ऐसा नहीं है कि एस्टेरॉयड्स जो होंगे वो ड्वार्फ प्लैनेट नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट है वो है मेटेरॉइड। ये सब जितने भी देख रहे हो ना, एस्टेरॉयड, ड्वार्फ प्लैनेट, मेटेरॉइड, ये सब जो है अर्थ के साथ ही बने हैं, ऑल हैव फॉर्मड अलोंग विद द अर्थ। अब ये मेटेरॉइड क्या होता है? ये मेटेरॉइड होता है वो स्मॉलर रॉकी सर्फेस होता है, ये एस्टेरॉयड से भी छोटे छोटे होते हैं जो कि इंटरप्लेनेटरी स्पेस में घूमते हैं, मतलब ये कोई सन का पर्टिकुलर चक्कर नहीं काटते हैं। एस्टेरॉयड क्या था? चक्कर काटता था। एस्टेरॉयड का अपना एक बेल्ट है जुपिटर और मार्स के बीच में, ये देख सकते हो इसको, ये जो बेल्ट है एस्टेरॉयड बेल्ट इसको बोलते हैं, ये वाला जो आपको लाइन दिख रही है इस पिक्चर में, देखो ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाला बेल्ट, ये जो है एस्टेरॉयड बेल्ट है, यहाँ जुपिटर है, यहाँ मार्स है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, और इसी में सारे जो है घूम रहे हैं, अर्थ का चक्कर काट रहे हैं। मगर जो हमारा मेटेरॉइड होता है, मेटेरॉइड जो है वो सन का चक्कर नहीं काटता है, वो इंटरप्लेनेटरी स्पेस में ऐसे ही जो है रैंडमली घूमता है, ठीक है। और ये जब तक वो इंटरप्लेनेटरी स्पेस में घूमता है तब तक ये मेटेरॉइड कहलाता है। अब इसमें अंतर देखना, मेटेरॉइड में, मिट्योर में, मिट्योराइट में क्या फर्क होता है? जब तक ये इंटरप्लेनेटरी स्पेस में घूम रहा है इट इज कॉल्ड मेटेरॉइड, मेटेरॉइड। जैसे मेटेरॉइड इंटर कर जाता है अर्थ एटमोस्फेयर में और फ्रिक्शन की वजह से बर्न करने लगता है, जैसे ही अर्थ एटमोस्फेयर में वो इंटर करेगा, अर्थ के एटमोस्फेयर में, तो ड्यू टू द फ्रिक्शन इट स्टार्ट्स बर्निंग और इमिटिंग लाइट, दिस इज कॉल्ड मिट्योर्स। मिट्योर्स हम बोलते हैं जब लाइट इमिट करता है, राइट। उसके बाद जैसे ही ये जो टूटता हुआ तारा जिसको हम बोलते हैं कि अर्थ के एटमोस्फेयर में आया और लाइट जो है देने लगा, और मिट्योर्स कभी कभी अर्थ के एटमोस्फेयर में आने के बाद ड्यू टू हाई फ्रिक्शन ये एक्सप्लोड करते हैं, मतलब कि फटते हैं पूरी तरह से, और खूब सारा आग का गोला जैसा वो आसमान में दिखाई देता है। तो ऐसा अगर हो तो उसको मिट्योर्स को हम बोलाइड बोल देंगे। तो बोलाइड इज ए स्पेशल काइंड ऑफ मिट्योर्स दैट कॉजेज एक्सप्लोजन एंड इमिशन ऑफ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट इन द स्काई, तो इसको बोलाइड बोलेंगे। और कोई मिट्योर्स, बोलाइड बना या ना बना,
जलने के बाद भी अगर वो बच जाए और अर्थ के सरफेस पे गिर जाए बचने के बाद, तो उसको बोलते हैं मिट्योराइट। तो मिट्योराइट आर सच मिट्योर्स विच फॉल ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब कि वो बहुत सारे मिट्योर्स तो जलने के बाद खत्म हो जाते हैं, बचते ही नहीं है, लेकिन कोई बड़ा मिट्योर हो जो जलने के बाद भी बच जाए और अर्थ सरफेस पे गिर जाए तो उसको मिट्योराइट बोलते हैं। मिट्योराइट, ये मेटेरॉइड क्या था जो इंटरप्लेनेटरी स्पेस में घूमता था, अब ये फर्क आपको इस पिक्चर से समझ में आ जाएगा। ये इंटरप्लेनेटरी स्पेस में अभी घूम रहा है, कोई अर्थ के अभी एटमोसफेयर में नहीं आया है, तो ये मेटेरॉइड कहला रहा है। ये जो है अर्थ के एटमोसफेयर में आ गया और इसमें आग लग गई, जलने लगा, तो ये क्या क्या कहलाएगा, मिट्योर्स कहलाएगा। ये जो है ह्यूज फ्रिक्शन की वजह से ब्लास्ट हो गया इसका और ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट निकल गया, तो इसको हम बोलाइड बोलते हैं, ब्लास्ट जब करेगा तो बोलाइड बोलेंगे, और इसके बाद भी ये बच के नीचे गिर गया तो इसको हम मिट्योराइट बोलते हैं। तो मिट्योराइट आर दोज मेटेरॉइड्स विच आफ्टर बिकमिंग मिट्योर्स बर्निंग दे रिमेन एंड फॉल ओवर द अर्थ सरफेस, तो ये मिट्योराइट हो गए। तो इसमें डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए मेटेराइड, मिट्योर और मिट्योराइट में। लास्ट बचता है हमारा कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? तो कॉमेट्स होते हैं आइसी कवर्ड रॉकी सरफेस होते हैं हमारे कॉमेट्स, आइसी कवर्ड रॉकी सरफेस। और ये कहां पाए जाते हैं? तो क्विपर बेल्ट में पाए जाते हैं। क्विपर बेल्ट कहां है? नेपच्यून से भी बाहर। तो नेपच्यून से बाहर एक बेल्ट है जिसमें आइसी ऑब्जेक्ट, आइस कवर्ड ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहे हैं रैंडमली, उनको हम क्विपर बेल्ट बोलते हैं, और वहीं पे ये कॉमेट्स पाए जाते हैं। और ये कॉमेट्स जैसे ही सन के पास पहुंचते हैं, नियर टू द सन, ये कॉमेट्स कभी कभी भूले भटके जो है अंदर आ जाते हैं और सन के तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही सन के तरफ जाएंगे तो हीट की वजह से उनके जो गैसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इवेपोरेट होंगे, और पीछे जो है एक टेल ऑफ गैसेस बनाने लगेंगे, बर्निंग टेल ऑफ गैसेस। तो जैसे ये नियर टू सन जाते हैं वाइल और बाइटिंग, तो दे डेवलप बर्निंग टेल्स ऑफ गैसेस, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉमेट्स। तो आसमान में आपको दिखेगा कि कॉमेट चल रहा है और पीछे से जो है आपको ये देखो, जैसे ये कॉमेट है पीछे से बर्निंग गैस छोड़ते हुए जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड कॉमेट। ये कहां एक्चुअल पाया जाता है? क्विपर बेल्ट में, नेपच्यून से बाहर, लेकिन कभी कभी ऐसे करते करते आप सन के पास चला आता है। तो जैसे सन के पास आता है ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन, ये रिवॉल्व करता है, ये पूरा बेल्ट जो है ना सन का रिवॉल्व करता है, ये ऐसा मत सोचना कि रैंडम ही चलता है, ये सन का रिवॉल्व करता है, और करते करते जैसे ये सन के कभी पास आता है तो ये जल उठता है, और इस जल उठने से जो है इसके जो गैसेस होते हैं पीछे के वो टेल ऑफ बर्निंग टेल ऑफ गैसेस बना लेते हैं, और इसकी वजह से ये दिखाई देता है आपको आसमान में, इसको पुच्छल तारा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो दिस इज कॉमेट। तो ये हमारा पूरा ये क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में बात कर ली है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं, कैसे हैं, क्या हैं। वी गॉट टू नो अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब हम बात करने जा रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के जो स्फीयर्स हैं, लिथोस्फीयर कैसे बनेगा, हाइड्रोस्फीयर कैसे बनेगा, एटमोस्फीयर कैसे बनेगा, तो ये सारी बातें हम अभी करने जा रहे हैं, राइट। देखो सबसे पहले जो है अर्थ सरफेस पे जो चीजें बनी वो हमारा लिथोस्फीयर बना। अर्थ जब शुरू में बना तो दैट वाज जस्ट लाइक अ फायर बॉल, अ बॉल ऑफ फायर, जिसमें कि सारे मटेरियल्स इंटरमिक्स्ड थे अंदर में, सब मैग्मेटिक स्टेज में थे, सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे वो मैग्मा के फॉर्म में थे, हॉट मोल्टन फॉर्म में थे, और जो लाइटर हो या हेवियर हो सब एक दूसरे में मिक्स्ड थे, किसी तरह का ना लेरिफिकेशन नहीं था कि लाइटर मटेरियल्स ऊपर हेवियर मटेरियल्स अंदर, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये इस स्टेज को हम बोलते थे प्रीमोडियल स्टेज। तो हमारा अर्थ बनने के टाइम में जो स्टेज में जो था वो स्टेज में था वो वोलाटाइल कंडीशन में था। वोलाटाइल कंडीशन मतलब कि देयर इज नो एनी डिफरेंशिएशन ऑफ लाइटर एंड हेवियर मटेरियल्स, द इंटायर अर्थ इज मिक्स ऑफ वेरियस मोल्टन मटेरियल्स एंड दैट ऑल आर इंटरमिक्स्ड, नो एनी सेपरेशन ऑफ हेवियर एंड लाइटर मटेरियल। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रीमोडियल स्टेज। ये स्टेज वन था हमारा अराउंड 4.6 बिलियन ईयर अगो। दूसरे स्टेज में आते हैं तो हमारा स्टेज ऑफ मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन होता है। जैसे थोड़ा सा कूलिंग होता है, अर्थ की थोड़ी सी कूलिंग हुई तो जो मटेरियल्स थे वो आपस में एडजस्ट होने लगे, जो लाइटर मटेरियल्स थे वो ऊपर आने लगे, जो हेवियर मटेरियल्स थे वो अर्थ के अंदर जाने लगे। तो इस पूरे अर्थ में देखोगे तो हेवियर मटेरियल्स अंदर जाने लगे, हेवियर मटेरियल्स, और लाइटर मटेरियल्स बाहर आने लगे। तो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन, मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन।
मैग्मा के फॉर्म में सब चल रहा है, लाइटर मेटल्स बाहर आ रहा है, हेवियर मेटल्स अंदर जा रहे हैं। अभी के टाइम में देखोगे तो अर्थ के सबसे बाहर सबसे लाइटर है, उसके नीचे उसके डेंसर है, और सबसे कोर में सबसे हेवियर और डेंसर मटेरियल थे। तो ये जो सेकंड स्टेज था वो स्टेज ऑफ मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन था। इसमें जो है अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग सारे मटेरियल्स जो है अपना जगह पकड़ लिए। और थर्ड स्टेज था स्टेज ऑफ कॉन्डेंसेशन। अब फर्दर कूलिंग से क्या होगा कि जो ऊपर वाला लाइटर मटेरियल था वो धीरे धीरे कॉन्डेंस होके सॉलिडिफाई हो गया और वो क्या बन गया, क्रस्ट बन गया। तो जो अर्थ का क्रस्ट था या लिथोस्फेयर था वो जो है सबसे ऊपर जब लाइटर मटेरियल्स मैग्मेटिक स्टेज में, मतलब अभी भी ये मैग्मा के फॉर्म में है, सेकेंड स्टेज में जब ऊपर आ गए सब, तो धीरे धीरे ये ठंडा होने लगा, ठंडा होकर सॉलिड बन गया, और सॉलिड बन के ये हमारा पूरा क्रस्ट और लिथोस्फेयर बन गया। तो इस तरह से हमारा लिथोस्फेयर तीन स्टेज में इवॉल्व हुआ। पहला स्टेज प्रीमोडियल, दूसरा स्टेज स्टेज ऑफ मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन, और तीसरा स्टेज स्टेज ऑफ कंडेंसेशन। अब बात करते हैं हम अपने इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर को, कि एटमॉस्फेयर कैसे इवॉल्व हुआ हमारा। देखो हमारा जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है उसमें 78% लगभग नाइट्रोजन है, लगभग 21% ऑक्सीजन है, फिर हमारा आर्गन गैस है, फिर हमारा CO2 है जो 0.03% है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या शुरू से ही एटमॉस्फेयर ऐसा ही था? द आंसर इज नो। शुरू से हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं था, हमारा एटमॉस्फेयर विथ टाइम इवॉल्व होके ऐसे कंपोजिशन में इवॉल्व हुआ है। जो हमारा एटमॉस्फेयर का अगर हम इवोल्यूशन देखें तो चार स्टेजेस में हमारा एटमॉस्फेयर इवोल्यूशन हुआ है। जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है वो चारों स्टेजेस का रिजल्ट है। इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बाद, ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बाद, चार वेरियस स्टेजेस में हमारे एटमॉस्फेयर इवॉल्व हुए हैं। जो पहला स्टेज था वो क्या था, लॉस ऑफ प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर। मतलब कि हमारा जब अर्थ बना उस समय एक प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर था। प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर का मतलब कि वहां पे उसके चारों तरफ हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस थे। हाइड्रोजन हीलियम वही गैस है जिस गैस से वो क्लाउड बना था, जिसके कोलैप्स होने से पूरा सोलर सिस्टम बना। तो जो बचे हुए हाइड्रोजन हीलियम गैस थे उस क्लाउड के, वो सारे प्लैनेट्स के चारों बगल फैल गए। तो ये अर्थ के भी चारों बगल जो है हाइड्रोजन हीलियम फैले हुए थे। तो पहले स्टेज में क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन हीलियम जो है अर्थ को छोड़ के चले गए, एस्केप हो गए, एस्केप आउट हो गए, लॉस हो गया अर्थ को इन सब प्रीमोडियल गैसेस का। क्यों हुआ हाइड्रोजन हीलियम गैसेस का? वो था बिकॉज ऑफ सोलर विंड। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि सोलर विंड जो है प्रीमोडियल गैसेस को उड़ा ले गया। तो उसी तरह से जो प्रीमोडियल गैसेस को स्ट्रिप्ड ऑफ कर दिया सोलर विंड्स ने, तो अब हमारे एटमॉस्फेयर में अभी उसके आसपास कोई गैस नहीं है। तो ये हमारा पहला था, लॉस ऑफ प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर। दूसरे स्टेज में हमारा क्या होगा अब देखना, दूसरे स्टेज में हमारा होगा डिगैसिंग ऑफ अर्थ। अब हमारे जो अर्थ के अंदर के गैस है वो बाहर निकल के और एक अपना एटमॉस्फेयर बनाएंगे। जो बाहर के गैस थे हाइड्रोजन हीलियम वो तो बह के चले गए सोलर विंड से। जो दूसरा होगा वो डीगैसिंग ऑफ अर्थ होगा, मतलब अर्थ के अंदर भी बहुत सारे गैसेस ट्रैप्ड थे। तो ट्रैप्ड होने के साथ जब मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन चल रहा था, मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन याद है ना, जब अभी थोड़ी देर पहले जो बात की है कि जो लिथोस्फेयर बनने में लाइटर एलिमेंट्स बाहर आने लगे, हेवियर एलिमेंट्स अंदर जाने लगे, तो इन सब में जो सबसे लाइटर थे वो गैसेस थे। तो वो गैस सब बाहर आने लगे वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू, बहुत सारा वोल्केनिक इरप्शन होने लगा अर्थ पे। तो उस वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू क्या होने लगा कि बहुत सारे गैसेस अर्थ के अंदर से बाहर निकल गए। कौन कौन से गैसेस थे वो, वाटर वेपर था, कार्बन डाइऑक्साइड था, नाइट्रोजन था, मीथेन था, और बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन था, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन था, ह्यूज अमाउंट ऑफ CO2 था, ह्यूज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन था, मीथेन भी था। तो ये सारे गैसेस जो है बाहर निकल के आए और एक नया एटमॉस्फेयर बना दिया जिसको हम अर्ली एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो डीगैसिंग ऑफ अर्थ से जो हमारा एटमॉस्फेयर बनता है वो अर्ली एटमॉस्फेयर बनता है। जो पहले के गैसेस से थे वो प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर था। तो प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर खत्म हो गया सोलर विंड से, अर्ली एटमॉस्फेयर बन गया डीगैसिंग ऑफ अर्थ से। अब अर्ली एटमॉस्फेयर में कैसे चेंज होकर प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में हम आएंगे ये हम आगे देखेंगे। अर्ली एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन आपने देख लिया कि वाटर वेपर भरपूर है, कार्बन डाइऑक्साइड भरपूर है, नाइट्रोजन है, मीथेन है, ऑक्सीजन ही नहीं है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन कैसे बढ़कर 21% हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे घटकर 0.03% हो जाएगा, यही आपको अगले स्टेज में देखना है। तो अगले स्टेज को अगर हम बात करें तो हमारा अगले स्टेज आता है द स्टेज ऑफ ग्रेट रेन। मतलब हजारों लाखों साल तक हमारे अर्थ पे बारिश हुई। क्यों हुई? क्योंकि वाटर वेपर बाहर आ गया,
वाटर वेपर आ गया, साथ साथ बहुत सारे कण भी आ गए, मतलब छोटे छोटे सेडिमेंट्स भी बाहर आ गए वोल्केनिज्म के साथ। तो कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ तो बारिश हुई, बारिश स्टार्ट हुआ और ये बारिश हजारों साल तक चलता रहा, हजारों साल तक बारिश हुई अर्थ के ऊपर। अब ये शुरू में जो बारिश होती थी वो अर्थ सरफेस पे पहुंच ही नहीं पाती थी, क्योंकि अर्थ इतना गर्म था कि वो रास्ते में ही इवेपोरेट होकर वापस चली जाती थी। तो ये प्रोसेस कई सालों तक, सैकड़ों हजारों सालों तक यही प्रोसेस चलता रहा कि ऊपर से बारिश आ रही है, अर्थ सरफेस पे पहुंच नहीं रही है, अर्थ गर्म है, वो वापस इवेपोरेट होकर चल जा रही है। लेकिन ये जो प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन चलता रहा तो इसमें अर्थ को बहुत हीट अपना अर्थ ने लॉस कर दिया और ठंडा हो गया अर्थ इसी प्रोसेस की वजह से। क्योंकि जब भी कोई चीज इवेपोरेट होती है तो वो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन लेती है, तो अर्थ सरफेस के हॉटनेस की वजह से जब ये इवेपोरेट होने लगे तो अर्थ धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। और अर्थ जब एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जब घट गया अर्थ का, तब ये जो रेन थे वो वापस अर्थ पे गिरने लगे। और तब तक जब तक अर्थ बहुत गर्म था तब तक वही साइकिल चलता था, वो बारिश से आते थे फिर इवेपोरेट होकर चले जाते थे, फिर कंडेंसेशन होकर आते थे फिर चले जाते थे। तो ये हजारों साल तक चलने के बाद अर्थ सरफेस इतना ठंडा हुआ कि अब यहाँ पे बारिश पहुंच सकती है, रेनड्रॉप कैन रीचेज ओवर द अर्थ सरफेस। तो फिर जो है हजारों साल तक पूरा एकदम मूसलाधार बारिश हुई, और बारिश होते होते जो भी वाटर जो इकट्ठा होते थे वो सब धीरे 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 डिप्रेशंस में कलेक्ट होने लगे। अर्थ में बहुत जगह बड़े बड़े गड्ढे थे, मैंने गड्ढा मतलब समझ लो कि वो कॉन्टिनेंटल स्केल पे, आप गड्ढा छोटा मोटा मत समझो, पूरा ओशन जो है ना वो गड्ढों को मान लो आप। तो धीरे धीरे जो डिप्रेशंस थे ना अर्थ में, तो सारे डिप्रेशंस में जो मतलब सैलो डिप्रेशंस थे सब में जो है पानी भरना स्टार्ट हो गया, वाटर कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया, और वही वाटर कलेक्ट होकर धीरे धीरे हाइड्रोस्फीयर बन गया, सी ओशंस ये सब बनने लगे। तो दैट वे हाइड्रोस्फीयर वॉज इवॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ दिस ग्रेट रेन। तो एटमोस्फेरिक जो प्रोसेस हम जो बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हमने हाइड्रोस्फीयर की भी बात कर ली कि ये जो ग्रेट रेन है तो इसके बारिश होने की वजह से डिप्रेशंस में कलेक्शन की वजह से हमारा हाइड्रोस्फीयर बन गया। अब इस प्रोसेस में दो तीन चीजें और हुई, एक तो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिजोल्व होकर नीचे आ गया, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमोस्फेयर में थे तो वो धीरे धीरे उस बारिश के पानी के साथ डिजोल्व होके और नीचे आ गए। नीचे आ गए मतलब कि अर्थ सरफेस के जो हाइड्रोस्फीयर है, जो वाटर बॉडीज हैं, उसमें जाकर डिजोल्व हो गए सारे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये तीसरा स्टेज पूरा होता है। अब चौथे स्टेज में आप देखोगे कि चौथे स्टेज में अब क्या होगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बहुत कम हो गया, क्यों, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होकर नीचे आ गया, लेकिन ऑक्सीजन अभी तक नहीं बढ़ा है, ऑक्सीजन अभी भी कम है वहां। ऑक्सीजन कैसे बढ़ेगा, तो फोटोसिंथेटिक रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होगा, मतलब 2-3 बिलियन ईयर्स बैक फोटोसिंथेटिक लाइफ स्टार्ट हुआ और इसके वजह से रिलीज ऑफ ऑक्सीजन हुआ। अब जैसे जैसे ग्रीन प्लांट्स आना स्टार्ट हुए अर्थ पे, तो ये लोग क्या करते थे कि एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को लेने लगे, बदले में ऑक्सीजन देने लगे। तो शुरू में जो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे वो डिजोल्व हो जाते थे ओशन वाटर में ही, क्योंकि ओशन वाटर में सबसे पहले प्लांट्स स्टार्ट हुए, वेजिटेशन शुरू हुआ। तो ये लोग शुरू में जो करते थे वो ओशन वाटर में डिजोल्व हो जाते थे ऑक्सीजन, और धीरे धीरे जब ओशन वाटर सेचुरेट हो गया ऑक्सीजन से तो ये ऑक्सीजन फ्लड होने लगा हमारे एटमॉस्फेयर में। तो धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी, और ऐसे हजारों मिलियंस ऑफ ईयर्स के बढ़ने के बाद, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स एड होने के बाद जो प्रेजेंट कंपोजिशन है हमारे एटमॉस्फेयर का वो हो गया, जिसमें कि ऑक्सीजन 21% हो गई, नाइट्रोजन 78% हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा घट के 0.03% हो गई, और एक तरह से एक इक्वेबल कंडीशन बन गया एनिमल लाइफ को के एग्जिस्टेंस के लिए। तो उसके बाद धीरे धीरे एनिमल लाइफ स्टार्ट हो गया इस अर्थ पे। तो दिस इज द इंटायर स्टोरी ऑफ व्हाट द इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो वी हैव डिस्कस्ड द इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर, वी डिस्कस्ड द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोस्फेयर, एंड लास्टली वी डिस्कस्ड द इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से वी हैव डिस्कस्ड द इवोल्यूशन ऑफ ऑल द स्फीयर ऑफ द अर्थ, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। पहले हमने सारे इवोल्यूशंस और ओरिजिन को डिस्कस कर लिया, यूनिवर्स के ओरिजिन को पहले डिस्कस किया, फिर गैलेक्सी को, फिर स्टार को, फिर सोलर सिस्टम को, फिर अपने सोलर सिस्टम के बारे में हमने काफ़ी कुछ देख लिया, और लास्टली हमने अर्थ के सारे स्फीयर्स को कैसे डेवलप हुए, कैसे इवॉल्व हुए, इसको देख लिया। तो दिस वॉज द इंटायर स्टोरी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ। इस तरह से हमारा यूनिवर्स और अर्थ डेवलप होके प्रेजेंट कंडीशन में हमारा आ गया, और इसी तरीके से हम जो है अपने जो कॉस्मोलॉजिकल एस्पेक्ट है
जो वो वाला एस्पेक्ट है ज्योग्राफी का जिसको हमने एस्ट्रोनॉमिकल साइंस से लिया है, तो उसको हमने फर्स्ट लेक्चर में पूरा किया। सेकंड लेक्चर में अब हम स्टार्ट करेंगे अर्थ के बारे में कि अर्थ का जो आउटर और इनर अलाइनमेंट, अर्थ के कैसे मोशंस हैं, किस तरह से सन के चारों बगल घूम रहे हैं, क्या उसका है फर्क, ये सारी चीज़ें, और ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। राइट, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर, द ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड यूनिवर्स।